कर्नाटक की सरजमीन टीपू सुल्तान शहीद को लेकर कहानियां बन रही है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी है, कन्नड़ विरोधी है, लेकिन आज भी कई सारे के मौजूद है कन्नड़ चुके हैं। लेकिन इस चीज को अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस से अगर सजाई जाती है, कुर्सियां खाली रहती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी नहीं तो भूलते जा रहे, हम भी नहीं चाहते कि टीपू सुल्तान को लेकर तमाम तरह के उत्सव मनाए जाते हैं कर्नाटक में, लेकिन टीम उत्सव नहीं मनाए और हम आवाज भी नहीं उठाते, सवाल भी नहीं पूछते, जबकि हमारे लीडर्स होने के बावजूद हम क्यों सवाल नहीं करते। टीपू सुल्तान को इसलिए याद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, जबकि इस मुल्क में जमीन को लेकर जंग हुआ करती थी। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, उनके पहले उनके वालिद मोहतरम हैदर अली साहब की हुकूमत थी, उस वक्त में अगर जंगे हुआ करती थी तो वो जमीन के लिए होते, हुकूमतों के लिए होते। अगर मुगल बादशाह थे, मराठा थे, निजाम थे, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जाकर इस मुल्क में हुकूमत कर सकती है, ये सिर्फ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ही जानते थे, वरना क्या था उनके लिए, भागने के लिए तो रास्ता मौजूद था। जिस वक्त अंग्रेज किले में दाखिल हुए और धोखे से बुलाया गया, मीर जाफर ने अपनी पूरी फौज को तनखा देने के बहाने पिछले रास्ते में जमा किया, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर खाना खा रहे थे, उनको यह इत्तला दी गई कि अंग्रेज दाखिल हुए हैं, तो फौरन घोड़े पर थाना उसी जगह पर छोड़कर घोड़े पर सवार होकर जब उस जगह पर किले के करीब किले में पहुंचे तो वहां पर उनके सिपहसालार ने यह कहा कि हजरत पूरी फौज अंदर दाखिल हो चुकी है, गद्दार उनके साथ मिल चुके हैं, तुम्हें यहाँ मौका है आज की घोड़े पर बैठकर यहाँ पर हम आप निकल जा सकते हैं, बाद में इनका इंतकाम लिया जाएगा। उस वक्त तारीखी जुमले शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी से, सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सबको दिया इस मुल्क को आजादी के अंदर, सबसे पहले खून शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बहाया, इस मिट्टी में अपना खून को जज्ब किया, अपने बच्चों को तक कुर्बान किया। आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उनसे नफरत की जाती है। जिस अंदाज से इकबाल जन्नत के सर ने पूरे इंग्लिश के साथ अपना बयान दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। 30 नवंबर 1750 से 1551 बहुत मशहूर थे, उनकी हिस्ट्री में ज्यादा नाम नहीं चाहता। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे रियासत कर्नाटका में बेशुमार मध्य मुजाहिद पैदा हुए, उनकी यौम पैदाइश पर तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जो मर्द मुजाहिद जो दरगे हजरती में पहली मशाल जिसने रोशन किया टीपू सुल्तान थे, उनकी याद में एक भी प्रोग्राम अगर करना है तो हमें तरह तरह की तस्वीरें लेना पड़ता है और बहुत सारे कंडीशंस डालने के बाद भी प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी अफसोस से बात करके हमारी कौम जल्द इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। असलाम को अगर हम याद नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमें पूछेगी कि टीपू सुल्तान कौन थे, हैदर अली कौन थे, तो मैं जवाब दे रहेगा। तो खास करके यहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी जब ऐसा होता है तो आने वाले दिन कैसे होंगे हम कह नहीं सकते। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सेकुलर मिजाज थे, ये इसका सबूत श्रृंगेरी मठ के मंदिर की दीवारें चीख चीख कर कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान जो है सेकुलर हुक्मरान थे और कन्नड़ जबान के हमीद थे। हमें शायद यही पढ़ाया जाता है कि उनकी दरबार की जबान ही कन्नड़ हुक्मरान थी। टीपू सुल्तान याद हो रहा था क्या जाति वाला के बाद हो आज जाति के पत्थर पर गर्व मारे टीपू सुल्तान तब देश वक्त प्राण प्रणाम करते बोलते हैं मजबूर होले अंतर
बनता टीपू सुल्तान जल्दी बनाकर तो तुम्हें मरना है पक्का है कि राज्य बनता राज्य तो नाम खड़े हैं बेगुन करके ये बना लाकर जाओ फिर टीपू सुल्तान जल्दी सरकार इनका मार्ग है ने वो मार्ग है ना तो ना विला रखा है तो संगत है बना के नाम ना मार्ग करता है जब 2015 में गवर्नमेंट से जो टीपू सुल्तान जयंती का जयंती मनाना सैंक्शन हुआ बहुत खुशी महसूस हुई हमारी कम्युनिटी में। चलो बहुत सालों के बाद इतने तकलीफें सहने के बाद इतना जल्द तरीके बाद एक छोटा सा सरकार की तरफ से तोहफा हमने हुआ, हालांकि तोहफा हुआ और यहाँ तक घूमना इसकी जरूरत नहीं है। हम मुसलमानों के पास इतना बल है, इतनी हिम्मत है, इतनी मोहब्बत है कि हम टीपू सुल्तान बना सकते हैं, बस हमारे अंदर इतिहास नहीं, इसकी वजह से हम आगे कर रहे हैं। एक मकसद देना है कि हमारे जो कर्नाटक रक्षा नीति के जो सदर अजय साहब ने कहा, कर्नाटक रक्षा नीति के में भी हमें हिस्सा लेना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हम हमारे लोग वहां जाते हैं, हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि हम डीएसएस प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि बसंत क्षेत्र में नहीं जाते हैं, क्योंकि त्रिशूल बसवाना में एकता का फाउंडेशन एकता का इतिहास का पैगाम बनाया था इस कर्नाटक में। और हमारे दलित समुदाय के लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में तो पिछड़ा वर्ग छूत और अछूत की बात बहुत ऐसी से करना था, जब दलितों को पिछड़े वर्गों को भगीरथ समाज को एक समाज में एक मान्यता एक रिस्पेक्ट किसी ने पहुंचाई है, बात हिंदुस्तान की नहीं बता रहा पूरी दुनिया में, वो शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान है। उस बुक को लेकर जाकर
जब वहां उस पर स्टडी किया गया तब जाकर एक नया रॉकेट बनाए, वहां अमेरिका पहली बार बनाई जिसकी बुनियाद टीपू सुल्तान की थी। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂತಾರ, ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರ ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅವನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ಸಲ ಕತ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡೋದ್ರಡ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಲಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಹೊರಳಿದಂತ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂಚೂರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸುಭಾಷಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಇವಳ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮೋದೀಕ್ಷ ಮನೆ ಹೋರಾಡ್ತದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮನೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೈಕ್ರೋಚಿನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಪಡಿದೆ ಕಾಂಡಿಷನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ 14 ಘಟಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಯುವ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬರೀ ನೋಡ್ತಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். मैं लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। कतर हो रहा है कतर में उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फंक्शन को अंजाम दिए सभी के तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।